आफ्टरनून बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग क्लास 9 में उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आप लोग को याद दिलाने के लिए मैं याद दिला देता हूँ कि एक सवाल था कि यामिनी और फातिमा प्रधानमंत्री राहत कोष में ₹100 का अनुदान देती है। समीकरण के साथ ग्राफ था और लेख चित्र था। बनाए तो इस तरह के सवाल में हम लोगों ने क्या किया था कि मान लिया था कि यामिनी का अनुदान ₹100 और फातिमा का अनुदान ₹100। तो x+y=100। तो हम लोग x का मान बैठाए थे, y का मान हमको मिलते गया था। इसका असंग समाधान होगा, हम x का मान बैठाते जाएंगे, y का मान हमको मिलते जाएगा। लेकिन हमको यह पता नहीं चला कि यामिनी का वास्तविक में कितना रुपया दी थी और फातिमा वास्तविक में कितना रुपया दी थी। इसके लिए हमको एक कथन से, यहाँ पर एक ही कथन है कि ₹100 का अनुदान दिया, बात मान खत्म है। एक कथन से यामिनी ने कितना दिया या फातिमा ने कितना दिया यह हमें पता नहीं चलेगा। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हम लोग को दो समीकरण चाहिए, दो शर्त चाहिए या दो स्टेटमेंट चाहिए या दो कथन चाहिए। तो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि दो चर राशि वाले, याद आया, दो चर राशि वाले समीकरण का रूप ax+by+c=0 होता है। इसमें मैं आपको याद दिलाता चलूं कि यहां पर a, b और c अचर राशि है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस समीकरण में a, b और c का मान कभी नहीं बदलेगा, ठीक है? a, b और c का मान कभी नहीं बदलेगा, जबकि x और y, a, b, c हो गया और x और y चर राशि है। चर राशि है मतलब इनका मान, x और y का मान समीकरण में बदलेगा। चर अचर को आप लोग ऐसे भी समझिए कि गाय चर रही है, यानी गाय एक जगह मैया जो भी तीन भोजी प्राणी है एक जगह में रहकर नहीं चरते, नहीं घास खाने को चरना कहते हैं, एक जगह में रुक के घास नहीं खाते, वो घूमते रहते हैं, उसको चर कहते हैं, यानी बदलाव। यदि x और y का मान में बदलाव होता है तो वह चर राशि होगा और एबीसी चर राशि नहीं होगा, क्योंकि वह हमेशा स्थिर रहता है, एबीसी का मान उसमें बदलाव नहीं होगा। किस तरह का समीकरण मिला था हम लोग को? 2x+3y+5=0। इसमें याद कीजिए कि a था 2, b 3 और c 5, ठीक है? तो इस तरह का समीकरण हम लोग को क्लास 9 में मिला था। इसके आधार पर हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। अब ग्राफ के बारे में आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि ये दो संख्या रेखा को हम लोग ने ग्राफ के में बैठाया था, ये x, ये o, ये x dash, ये y, o, y dash। चार घर है, घड़ी के दिशा, हम लोग का घड़ी का दिशा इस प्रकार जाता है ना, इसका जो चार कोठा है इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, वो घड़ी के दिशा के विपरीत चलता है। कहां से? यहां से, इस बिंदु से। इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, अंग्रेजी में ओरिजिन कहा जाता है। यहाँ पर x का भी मान 0 होता है, y का भी मान 0 होता है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम इसको वास्तविक मान लें और इसको आभासी मान लें, आप लोगों ने लाइट के चैप्टर में पढ़ा था, इसको वास्तविक मान लें और इसको आभासी मान लें, तब हम इसका साइन कॉन्वेंशन, चिन्ह जो है किस घर में कौन सा चिन्ह होगा, आराम से याद रख सकते हैं। कैसे? यहाँ x वास्तविक तो प्लस,
वाई वास्तविक तो प्लस, यहाँ एक्स आभासी या काल्पनिक तो माइनस, वाई वास्तविक प्लस, ठीक है। फिर देखिए यहां पर एक्स काल्पनिक या आभासी माइनस, वाई काल्पनिक या आभासी माइनस, यहां एक्स वास्तविक प्लस, यहां वाई आभासी माइनस, ये इसका साइन कॉन्वेंशन है कि अगर एक्स का भी मान प्लस में हो, वाई का भी मान प्लस में हो तो इस क्वाड्रेंट में बैठेगा, अगर एक्स का मान माइनस हो, वाई का मान प्लस हो तो इस क्वाड्रेंट में बैठेगा, अगर x माइनस दोनों माइनस में हो तो इस क्वाड्रेंट में बैठेगा, और अगर x प्लस में हो और y माइनस में हो तो इस क्वाड्रेंट में बैठेगा, ठीक है। तो दो चार बातें हैं, मैं उसको लिख देता हूं, उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट होता है जीरो जीरो, क्या होता है जीरो जीरो। इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का समीकरण y इज इक्वल टू जीरो, y अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू जीरो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो में यदि c का बराबर जीरो हो, इफ c इज इक्वल टू जीरो तब ग्राफ की सरल रेखा, ग्राफ की सरल रेखा मूल बिंदु से यानी o से होकर गुजरेगी, अगर सी जीरो नहीं हो तो वह मूल बिंदु से होके कभी नहीं जीरो, ठीक है। अगर सी इज इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, तो इस समीकरण का जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। ये किस प्रकार होता है इसको हम लोग कल देखेंगे, आप लोग इसको पढ़िएगा, और एक होमवर्क दे रहा हूं उसको करके ग्राफ कॉपी में आप लोग कॉपी मुझे दिखाइएगा, ठीक है। ड्रॉ एक्सिस इन ग्राफ पेपर एंड लोकेट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स एप्रोप्रिएटली, अक्ष रेखा ग्राफ कॉपी में या लेख कॉपी में खींचकर निम्नलिखित बिंदुओं को सटीक रूप से उनका स्थापन करें, 6 8 0 4 5 0 -7 8 -5 -4 -3 इसको बना के इसका कॉपी में ग्राफ कॉपी में बना के इसको आप, ग्राफ कॉपी तो होगा ही आप लोगों को, जब वो क्वाड्रेटिक वाला करवाया था उस समय ग्राफ कॉपी आप लोगों के पास में था, उसी में इसको बना के आप उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है। इसको कीजिएगा, इसमें अगला जो हम लोग करने वाले हैं ग्राफ है, जो 9 में किए थे उसी तरह का है,
बहुत हार्ड नहीं है, उसको ग्राफ में मैं करके दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। इसको करके आप लोग उसको भेजिएगा, घर पर रहिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।